स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल SSC ज्ञान सागर में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के वो सभी क्वेश्चन जो कभी न कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं हरियाणा SSC का, जैसे हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है, दिल्ली पुलिस का, CPO का एग्ज़ाम है, SSC CGL वगैरह के जो एग्ज़ाम हैं, उनमें ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है CPU। CPU क्या है? CPU एक चिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VDU एवं कीबोर्ड के बीच संपर्क कौन स्थापित करता है? जो कंप्यूटर का दिमाग है CPU, वो VDU एवं कीबोर्ड के बीच संपर्क स्थापित करता है। दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ये क्वेश्चन वही हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है, VDU की फुल फॉर्म क्या है, अर्थात पूरा नाम क्या है VDU का? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसको कंप्यूटर मॉनिटर कह सकते हैं। जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है उसे VDU कहते हैं। नेक्स्ट है, CPU की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऐसे ही CPU के साथ साथ होता है UPS भी कंप्यूटर में। इसके अंदर कई लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है ये CPU बोले या UPS बोले। UPS होता है पावर बैकअप के लिए, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जिसकी फुल फॉर्म रहेगी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई UPS। नेक्स्ट है, ALU का पूरा नाम क्या है? ALU होगा आपका अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट। ALU का पूरा नाम होगा अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट, जो आपकी गणनाएं करने के लिए सहायक होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा क्या इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है? तो कंप्यूटर डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। अगला है, CPU का वह भाग जो सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह क्या कहलाता है? कंट्रोल यूनिट। CPU का वह भाग जो कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, नाम के ऊपर भी सभी क्वेश्चन आप कर सकते हैं अगर अच्छे से रीड करते हैं तो, कंट्रोल यूनिट होता है। नेक्स्ट है, कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है? बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो प्रोसेसर होगा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। डाटा को इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस कौन करता है? प्रोसेसर। नेक्स्ट, डाटाबेस में कौन से फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं? तो ये होंगे न्यूमेरिक। इसमें बोला है कौन से फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए, कैलकुलेशन कौन करता है? न्यूमेरिक नंबर से ही कैलकुलेशन होती है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। समझ के ऊपर सभी क्वेश्चन डिपेंड है। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के अंदर जो डाटा गया उसको क्या कहेंगे? जो कंप्यूटर में स्टोर होते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहेंगे इनपुट। जो कंप्यूटर के अंदर जाता है इनपुट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है? CPU करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। और कंप्यूटर से जो डाटा हमें रिसीव होता है, हमें जो प्राप्त होता है, जैसे हम कुछ देख सकते हैं या प्रिंट के तौर पर लगा लीजिएगा, वीडियो की तौर पर लगा लीजिएगा, तो वो होगा आउटपुट। नेक्स्ट है, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। नेक्स्ट, कंप्यूटर की विशेषता या कार्य क्या नहीं है? कंप्यूटर का डाटा आकलन करना। कंप्यूटर की विशेषता क्या नहीं है? कंप्यूटर डाटा आकलन नहीं कर सकता, अनुमान नहीं लगा सकता। जो कंप्यूटर को आप काम देंगे, कंप्यूटर वही आपको रिप्लाई में देगा। अपने आप आकलन नहीं लगाता है कंप्यूटर। नेक्स्ट, कंप्यूटर में डाटा किसे कहते हैं? जो डाटा है चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को डाटा कहते हैं। तो जो डेटा है वो किसको कहेंगे? चिन्हों को व संख्यात्मक सूचनाओं को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये भी। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा गया है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को।
दोस्तों ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं, अदरवाइज मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया है, आप टेक्स्ट के रूप में इसको देख सकते हैं, SSC ज्ञान सागर .blogspot.in में क्लिक करके देख सकते हैं कंप्यूटर के सभी क्वेश्चन, हमारी सभी वीडियो या फिर सभी क्वेश्चन अगर आप टेक्स्ट में चाहते हैं तो वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? एकत्रित डाटा को, सूचना होगी एकत्रित डाटा। नेक्स्ट है, EDP की फुल फॉर्म क्या है? EDP की फुल फॉर्म क्या है? ये वही क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? CPU। नेक्स्ट, VDU एवं कीबोर्ड के बीच संपर्क कौन स्थापित करता है? तो CPU करता है। रिपीट हो गए ये दो, एक दो क्वेश्चन। नेक्स्ट, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो मानव मन की गति अधिक है, कंप्यूटर की गति अधिक नहीं है। नेक्स्ट, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? तो सामान्य होती है, जो कंप्यूटर में फीड किया गया है कंप्यूटर उसी बेस पर काम करता है, अपने आप ना आकलन करता है ना कुछ याद रख सकता है। तो कंप्यूटर की स्मरण शक्ति जो है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य है। यह याद रखने की शक्ति, मनुष्य की याद रखने की शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी है? तो मनुष्य की सामान्य है, कंप्यूटर तो जो फीड किया है वही याद रखेगा और हमेशा के लिए सेम ही रिस्पॉन्स देगा, जो आपने चाहे 100 साल पहले उसके अंदर कुछ भी फीड कर दिया हो, 100 साल बाद भी वही रिप्लाई देगा। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? वही बात है, कृत्रिम बुद्धि है, जो फीड कर दिया वही काम करेगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। चार ऑप्शन दिए होंगे, उसके अंदर आपको लगाना है, यह कम गति से काम करता है या अशुद्धता से काम करता है। ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, कंप्यूटर तेज़ गति से काम करता है और शुद्धता से काम करता है। कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है? वही बात आ गई, कंप्यूटर की क्षमता जो है वो सीमित होगी, जो आपने डाटा उसके अंदर डाला है वो केवल उसी के ऊपर कार्य कर सकता है। फिर से आ गया, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा गया है? CPU। नेक्स्ट, कंपेयर क्या है? कंपेयर, COMPARE, कंपेयर क्या है? तो ये होगा आपका ALU का अर्थमेटिक कार्य, कंपेयर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का अर्थमेटिक कार्य कंपेयर कहलाता है। CPU का मुख्य घटक क्या है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और ALU, जो CPU है इन तीनों के साथ मिलकर काम करता है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और ALU के साथ। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? जो डाटा कंप्यूटर के अंदर गया उसको कहेंगे इनपुट, और प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं? जो डाटा प्रोसेस्ड हो चुका है कंप्यूटर से बाहर निकलता है, चाहे वो आप मॉनिटर के तौर पे देख सकते हैं, प्रिंटर के तौर पर देख सकते हैं, तो वो होगा आपका आउटपुट। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच संबंध कौन स्थापित करता है? तो कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी भागों के बीच संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट, CPU का मुख्य कार्य क्या है? इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना तथा निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। तो ये सब कंप्यूटर के CPU के मुख्य कार्य हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है? CPU करता है। कंप्यूटर के भाग जोड़ घटा गुणा तथा तुलनात्मक कार्य कौन करता है? कंप्यूटर का भाग जोड़, ये जोड़ है, भाग जोड़ घटा गुणा ये कौन करता है? तुलनात्मक कार्य कौन करता है? ALU। तो ALU की सहायता से जमा घटा गुणा भाग किया जाता है। नेक्स्ट है, आउटपुट क्या है? वह जो प्रोसेसर यूज़र को दे, प्रोसेसर अर्थात कंप्यूटर, जो यूज़र यानी कि हम, अगर कंप्यूटर जो भी चीज़ हमें देता है वो होगा आउटपुट, और हम जो कंप्यूटर को देंगे वो होगा इनपुट।
वह जो प्रोसेसर यूज़र को दे, प्रोसेसर कंप्यूटर यूज़र हम। नेक्स्ट है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस्ड किया गया परिणाम क्या कहलाता है, तो आउटपुट होगा कंप्यूटर ने जो परिणाम प्रोड्यूस्ड किया है, प्रिंट पेज को कह सकते हैं हम। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है, तो ये होगा अल्फाबेटिकल करेक्टर नंबर और अल्फाबेटिकल करेक्टर। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा, अल्फा और न्यूमेरिक, अल्फा हो गया आपके ए बी सी डी से रिलेटेड और न्यूमेरिक हो गया आपके नंबर से रिलेटेड, तो अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है, नंबर और अल्फाबेटिकल करेक्टर। नेक्स्ट है कच्चे तथा रॉ फैक्ट्स कौन बताता है, कच्चे तथ्य अर्थात रॉ फैक्ट्स कौन बताता है, कच्चे तथ्य कौन बताता है, डाटा। जबकि डाटा अर्थपूर्ण कब बन जाता है, सूचना में परिवर्तित होने के बाद, जो कच्चे तथ्य हैं रॉ फैक्ट्स हैं वो डाटा होता है, और अर्थपूर्ण कब बन जाता है, सूचना में परिवर्तित होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर प्रोसेसर में कौन कौन से भाग सम्मिलित होते हैं, कंट्रोल यूनिट व एएलयू, कंप्यूटर प्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट व एएलयू, क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर लगाना है, क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं उसके अंदर। नेक्स्ट है जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे दूसरा क्या नाम दिया गया है, सीपीयू के अलावा क्या दूसरा नाम दिया गया है, तो माइक्रोचिप होगा, सीपीयू को चिप भी बोलते हैं, माइक्रोचिप भी बोलते हैं, तो इसको कंप्यूटर का दिमाग कह सकते हैं, माइक्रोचिप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेन मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, जो मेन मेमोरी है वो किसके कोऑर्डिनेशन से काम करती है, सीपीयू के कोऑर्डिनेशन से। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है, प्रोग्रामों व अनुदेशों पर अमल करना तथा डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, प्रोग्रामों व अनुदेशों पर अमल करना तथा डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, डाटा कच्चे तथ्य और प्रोसेस डाटा जानकारी। जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ क्या है, डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर किया गया है तथा डाटा का ऑपरेशन जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है वो होगी इनपुट, जिसे कंप्यूटर में एंटर किया गया है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है सभी तार्किक और गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हैं कंप्यूटर में कहाँ होते हैं, तार्किक और गणितीय परिकलन जो कि एएलयू की सहायता से किए जाते हैं ये सीपीयू में होते हैं। नेक्स्ट है अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या होता है, जमा घटा गुणा और भाग, ये सभी अर्थमेटिक ऑपरेशन में आते हैं एएलयू जिसकी सहायता से कैलकुलेशन की जाती है। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस का समूह किस चीज़ का निरूपण करता है, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस का समूह कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण करता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का कौन सा कार्य अपने आप नहीं करता है, कंप्यूटर कौन सा कार्य अपने आप नहीं करता है, तो अंडरस्टैंडिंग, वही बात है कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, जो इसमें डाटा फीड होता है उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। चार ऑप्शंस होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करने हैं इनके। नेक्स्ट है एएलयू किस चीज़ का परिचालन संपन्न करता है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अर्थमेटिक का कार्य करता है। कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। दोस्तों इनके ऊपर क्विज़ भी रेडी की जाएगी, अगर आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके देते हैं कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने ठीक किए, सभी चैप्टर वाइज आपको तैयार किए जाएंगे, कंप्यूटर के सभी नोट्स डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, उसके बाद आपसे अगली वीडियो में पूछे जाएंगे कि कितने आपने अटैम्प्ट किए हैं। नेक्स्ट किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फिट की जाती है उसे क्या कहते हैं, इनपुट, कंप्यूटर के अंदर फिट की जाती है, कंप्यूटर के अंदर डाटा गया तो हो गया हमारा इनपुट। नेक्स्ट सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा को प्रोसेस कर सकती है,
आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है और भविष्य में प्रयोगों के लिए परिणामों को स्टोर करती है क्या कहलाती है, वो होगा आपका कंप्यूटर। बहुत ही सिंपल एक लैंग्वेज में कंप्यूटर की परिभाषा दी गई है ये। नेक्स्ट है सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, तो कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है। क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा उसका पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन से हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। रजिस्टर भी मेमोरी का ही एक हिस्सा है, शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं इनको भी। नेक्स्ट है बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होता है, तो प्रोसेसिंग, इनपुट तथा आउटपुट। क्वेश्चन रिपीटेड है, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होती है हर बार। कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, प्रोसेसर। कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, प्रोसेसर। गणना और तुलना के बीच गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, ALU, जमा घटा गुणा भाग। अब यहाँ गणना पूछ लिया तो गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर का ALU का प्रयोग किया जाता है। गीगो शब्द किससे संबंधित है, तो गीगो संबंधित होगा एक्यूरेसी से। तो दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, ना कि हमने अपनी तरफ से बनाए हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। गीगो का क्या अर्थ है, गीगो कई फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो कंप्यूटर के अंदर आप डालोगे वही आप रिसीव करोगे। तो दोस्तों आज वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, कंप्यूटर के क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, तो ये सीरीज आगे चलती रहेगी। सभी चैप्टर वन बाय वन करवाए जाएंगे आपको और फिर एक क्विज रेडी की जाएगी, उसमें आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस चार ऑप्शंस के साथ। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।